और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं, इसी के साथ भक्तों का इंतजार भी खत्म हो गया है। ब्रह्म मुहूर्त में कपाट खोल दिए गए हैं, भगवान गणेश की पूजा की जाती है, उसके बाद द्वार की पूजा करने के बाद आरती की जाती है और इसी के साथ कपाट खुल गए हैं, भक्तों का इंतजार भी खत्म हो गया है। लंबी कतारें भी नजर आ रही हैं कि किस तरीके से भक्त इंतजार कर रहे हैं कि पूजा पाठ होने के बाद तुरंत से बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सके। इसी के साथ चार धाम की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के कपाट 10 मई को ही खोल दिए गए थे और अब बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं। आपको बताएं कि देखिए मंदिर की जो खूबसूरत तस्वीरें हैं वो किस तरीके से सामने आई है। कोई हजार क्विंटल की संख्या में यहाँ पर फूलों का उपयोग किया गया है मंदिर को सजाने संवारने के लिए और इसी के साथ भक्तों का उत्साह साफ तौर पर यह बयां करता है कि वो किस तरीके से मंदिर के कपाट खुलने का इंतजार कर रहे थे। 6 महीने तक कपाट बंद रहने के बाद अब मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। ये सीधी तस्वीरें आ रही है बद्रीनाथ धाम से, जहां आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और कपाट खुलने के बाद इसे बहुत ज्यादा विशेष बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि देखिए एक विशेष रंग के कपड़े पहन करके, हाथों में ढोल नगाड़े लेकर के मंदिर के सामने मौजूद हैं और इसी के साथ भक्तों की लंबी कतारें भी नजर आ रही है कि वो दर्शन करने के लिए कितने ज्यादा उत्साहित है, जो सुबह से ही लाइनों में, रात से ही लाइनों में लगे हुए हैं और बस बद्रीनाथ धाम के दर्शन करके यहाँ से जाना चाहते हैं ताकि केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के साथ चार धाम की यात्रा को भी वो पूरा कर सके। ये मंदिर की तस्वीरें भी सामने आई हैं, सीधे मंदिर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये फूलों से किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है, संवारा गया है वो आप देख सकते हैं और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर श्रद्धालुओं का उत्साह अलग नजर आ रहा है, जिसकी धुन भी आप सुन सकते हैं। नगाड़ों की ढोल है, ढोल की थाप है और साथ ही यहाँ पर जो पूजा पाठ है वो हो चुका है और मंदिर के बाहर श्रद्धालु अभी भी मौजूद हैं कि दर्शन कर सके। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ एक तस्वीर में आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो बाहर मंदिर के बाहर एकत्रित है, जो कि जाना चाहते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए और रात से ही लाइन में लगे हुए हैं। भक्त इंतजार कर रहे हैं कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही दर्शन कर सके। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं उस वक्त की ये तस्वीर है जब मंदिर के कपाट खोले जा रहे थे, खोल दिए गए थे, इसके बाद प्रार्थना का दौर जारी था, पूजा अर्चना का दौर जारी था और इसी के साथ जो यहाँ पर पांडा थे, जो भक्त थे, जो श्रद्धालु थे वो भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं, श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। आप जवानों को भी यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर ढोल नगाड़ों की थाप देते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ दर्शन के लिए कितनी लंबी कतार लगी हुई है ये भी आप देख सकते हैं। हर साल चार धाम की यात्रा पर, उत्तराखंड की चार धाम की यात्रा पर लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं और एक बार फिर से ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। मेरा महात्मा विनोदानंद स्वामी है और मेरा आश्रम है यहाँ सदगुरु आश्रम, और आज कपाट खुल गया सब भक्तों के लिए और बहुत अद्भुत दृश्य देख रहे हैं आप, एकदम मनमोहक है और बहुत ही भक्तों में खुशी का लहर है। भगवान 6 महीना के लिए बद्री विशाल की कपाट खुल चुका है और बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही मानता कि 6 महीना नारद जी पूजा करते हैं, 6 महीना नर करते हैं। तो ये वैकुंठ धाम है, वैकुंठ धाम में बहुत ही विशेष महत्व है। कपाट खुल गया, मूर्ति सरसा जी चका चक है, बिल्कुल बड़ा सुंदर से है और बड़ा मंगल बरस रहा था जब कपाट खुल रहे थे। भगवान चकाचक घी में लवा लवे जैसा चाहते थे वैसा मिला हमें, आज मूर्तियां सुंदर मिली हैं। तो आपने सुना भक्तों का उत्साह किस तरीके से, किस कदर है, जो ये कह रहे हैं कि वो बद्रीनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं और पहले से ही यहाँ पर कतारों में खड़े हो गए हैं ताकि बद्रीनाथ धाम के दर्शन जल्द से जल्द कर सके। और अब बात करेंगे चुनावों की। अगर बीजेपी को वोट दिया तो मोदी नहीं शाह को जाएगा। अरविंद केजरीवाल के इस सियासी तीर पर शाह से लेकर के बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने केजरीवाल पर पलटवार किया है। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष की बौखलाहट से साफ है कि वो हार स्वीकार कर चुके हैं। क्या विपक्ष स्वीकार कर चुका है कि आएंगे तो मोदी ही? क्या केजरीवाल भी मान चुके हैं कि जीतेगी तो बीजेपी ही? अगर ये तय है तो फिर क्या इंडिया अलायंस सिर्फ अपनी मौजूदगी के लिए चुनावी मैदान में है? बीच चुनाव इन सवालों के पीछे की वजह है केजरीवाल।
हाँ वही केजरीवाल जो एक दिन पहले तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। अंतरिम जमानत मिली है सिर्फ 21 दिनों की और बाहर आकर सबने सोचा था अपनी पार्टी और गठबंधन को मजबूत करेंगे, लेकिन उनके एक बयान ने मानो मोदी की जीत पर मुहर लगा दी। वो मान चुके हैं कि फिर मोदी ही आएंगे, लेकिन शिगुफा छेड़ दिया कि मोदी की तीसरी पारी में पहले वो योगी को हटाएंगे और फिर खुद 75 साल के हो जाएंगे तो शाह को पीएम बना देंगे। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। केजरीवाल ने दावा किया, शाह का नाम लिया और योगी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई, तो जवाब देने खुद अमित शाह उतर आए और केजरीवाल के एक एक दावे को खारिज कर खोखला साबित कर दिया। इनके पास प्रधानमंत्री का प्रत्याशी ही नहीं है। एक पत्रकार ने उनको पूछा कि आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो इन्होंने कहा एक एक साल बारी बारी बन लेंगे। आगे और भी सुनाएंगे कि शाह ने क्या क्या कहा है। पहले इसे समझिए कि केजरीवाल ने अपनी सियासत के लिए शाह को मोदी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, मगर मोदी के सबसे बड़े दूत शाह ने उनकी कहानी को फ्लॉप कर दिया। इस बात पर एक बार फिर गौर कीजिए कि 51 दिनों में केजरीवाल ने तिहाड़ में एक स्टोरी बनाई और उसमें अपनी थ्योरी जोड़ दी। केजरीवाल की कहानी के मुताबिक मोदी तीसरा टर्म पूरा नहीं करेंगे, वो एक साल बाद 75 साल के हो जाएंगे, तो 75 की उम्र में प्रधानमंत्री मोदी को रिटायर होना पड़ेगा। मोदी इस दौरान अपनी गद्दी शाह को सौंप देंगे। मोदी जीतते ही 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे और वहां पर उत्तर प्रदेश में 2 महीनों के बाद यूपी का सीएम कोई और होगा। ये सब बातें केजरीवाल की है, तो क्या बीजेपी में फूट डालने के लिए और जनता को भ्रमित करने के लिए केजरीवाल ने ये कहानी बुनी? मगर इतना तो वो मान चुके हैं कि जीतेंगे मोदी ही, तभी तो ये सब होगा। मतलब अपनी थ्योरी और स्टोरी में भी केजरीवाल मोदी को ही विजेता मान चुके हैं। से कम उन्होंने जब ये कहा कि मोदी जी अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये तो एक्सेप्ट कर लिया। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाला और सुप्रीम कोर्ट से रहम के तौर पर बेल पर आने वाला व्यक्ति, वो दूसरों को नैतिकता की शिक्षा दे, कितना हास्यास्पद लगता है। केजरीवाल का छूटना पूरे इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि पहली गलती भारतीय जनता पार्टी ने ये की कि उन्होंने उनको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तारी के बाद ये बात दिख रही थी कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा था। चुनावी मौका है तो सब सियासी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, मगर तिहाड़ से आने वाले केजरीवाल ने दिल्ली में रोड शो किया, अपनी पार्टी का प्रचार किया, मगर वो इससे पहले ही मोदी की जीत पर मुहर लगा गए, संभले और फिर बीजेपी को रोकने के दावे करने लगे, सट्टा बाजार से लेकर एक्सपर्ट्स का हवाला देने लगे, राज्यों के नाम गिनाने लगे कि कैसे बीजेपी 400 पार नहीं लाएगी और 230 पर ही रुक जाएगी। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी वो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। एक चीज जो सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा, हरियाणा में इनकी सीटें कम हो रही हैं, राजस्थान में इनकी सीटें कम हो रही हैं, कर्नाटक में इनकी सीटें कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी सीटें कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी सीटें कम हो रही हैं। केजरीवाल नंबर गेम में उलझाने से पहले खुद ही फंस गए। मोदी शाह और योगी की केमिस्ट्री बिगाड़ने की कोशिश कर वो निशाने पर आ गए। मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। चुनाव प्रचार करने के लिए 1 तारीख तक का बेल दिया गया है,